अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सैर करवाएंगे वज़ीर ख़ान मस्जिद की। ये एक मुग़लिया दौर का एक बड़ा प्यारा नमूना है, तो इंशाल्लाह आपको सारा विज़िट करवाते हैं, आपको अंदर की सारी चीज़ें दिखाते हैं। आइए देखें जी व्यूअर्स, ये देखें हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। ये देखें सहन आ गया है, और ये मस्जिद के जो फ्रंट के जो नीचे जो सारे जगहें हैं वहाँ पर ये सारे बने हुए हैं, ये कमरे बने हुए हैं। उजरे भी इसको कह सकते हैं। ये डबल स्टोरी में लोग यहाँ पर आते थे, जो दिल्ली की साइड से लोग आते थे काफ़िलों की सूरत में उस ज़माने में, तो फिर यहाँ पे आके स्टे करते थे, आराम करते थे, नहाते धोते थे, पाक साफ होते थे और नमाज वगैरह पढ़ते थे। ये देखें छत कैसी बनी हुई है गोल डाट की। यहाँ पर देखें ये कुछ एक्टिविटी हो रही है, देखते हैं ये क्या है, इधर कौन रहता है। ये कोई माई साहिबा भी हैं, ये भी देखें अंदर से कोई ताला वाला लगा रही हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लोग इतने रह रहे हैं अंदर रहते हैं लोग, ठीक है, हाँ समझ आ रही। मुझे भी और समझ तो नहीं आई, लेकिन मैंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया हाँ जी समझ आ गई है। ये हम तो ये मस्जिद देखते हैं कैसी है। ये देखें बालकनी कैसी प्यारी बनी हुई है उस ज़माने की, क्या बात है, वाह वाह। और ये देखें इसका ये मेन जो उसका बाहर से जो लुक है, ये इंतहाई शानदार है। ये फिर सीढ़ियाँ, अब हम पहले सीढ़ियाँ नीचे उतरे थे, सहन में आए हुए थे नीचे, अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों पर। ये देखेंगे सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। मैंने कहा साथ साथ आपको हर चीज़ दिखाता जाऊँ, आपको ऐसे लगे जैसे आप आए हुए हैं। ये देखें मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है मस्जिद वज़ीर खान लाहौर, जामा मस्जिद है। ये देखेंगे हम अंदर एंटर हो गए हैं। ये एक जो समझ लें कि एक ड्योढ़ी है मस्जिद की बाहर वाली, जिसमें ये सारे ये कमरे फिर वैसे बने हुए हैं, हुजरे बने हुए हैं। ये देखेंगे रेनोवेशन का काम जारी है, ऊपर काम हो रहा है, साथ साथ उसकी मरम्मत कर रहे हैं ताकि ये असल हालत में रहे। ये देखेंगे कितना प्यारा बना हुआ है सारा, ये सारा ये देखेंगे कितना प्यारा है। ये व्यूअर्स इल्मुद्दीन साहब थे, कोई इल्मुद्दीन अंसारी, उन्होंने 1638 में 1638 में ये तमीर करवाई। मुग़ल शहज़ादी थी कोई, उनके इलाज के एवज़ जो उनको रकम मिली, तो उस रकम से उन्होंने ये मस्जिद तैयार करवा दी। हकीम थे वो। ये जगह एक मुसलमान की हवेली थी समझ लें, तो उससे ख़रीद ली गई, तो ये मस्जिद तमीर करवाई गई। ये देखें ये शानदार सहन है इसका, ये सारा रेनोवेशन का काम हो रहा है। ये ग्रीन कर्टन्स लगे हुए हैं, इसके पीछे सारा मरम्मत का काम होता है। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है, ये देखें कितना शानदार है। ये इसका अंदर वाली साइड है मस्जिद के। ये भी मीनार है, 4 मीनार हैं इसके, बहुत खूबसूरत, क्या बात। व्यूअर्स मस्जिदें तो सारी प्यारी होती हैं, मगर जो मस्जिद वज़ीर ख़ान की एक अपनी शान है और बड़ी पकीज़गी है, और पता नहीं किन लोगों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है और कैसे कैसे नेक लोगों ने, और सुभान अल्लाह आप देखें इसकी एक अपनी शान है। ये देखें छत कितनी खूबसूरत है इसकी। ये कर्टन्स डाले हुए हैं उन्होंने पर्दे, ताकि सुबह के टाइम जब नमाज़ पढ़ते हैं फजर के टाइम या मगरिब के टाइम या इशा के टाइम, फिर ठंड हो जाती है, फिर ये फेंक लेते हैं नमाजियों को, फिर ठंड ना महसूस हो ज़्यादा। ये देखें कैलीग्राफी का काम कितना प्यारा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, सारे साथ में बॉक्स का काम भी है। ये यूसुफ कश्मीरी साहब थे, ये उनके हाथ का ये सब बना हुआ है, ये उन्होंने अल्लाह बख्शे उन्होंने ये सारा कुछ बनाया अपने हाथ से। बड़ी खूबसूरती से इस पे काम हुआ है। स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, बहुत शानदार। ये आयतें लिखी हुई हैं, सूरतें लिखी हुई हैं, दरूद सलाम हर चीज़ लिखी, बड़ा प्यारा। ये देखें, ये आज भी लगता है ऐसे, लगता है जैसे अभी ताज़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत काम किया, मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त है। ये कैलीग्राफी सारी की हुई है, साथ साथ इन बॉक्स का काम भी है। ये देखें, बहुत खूबसूरत। ये अंदर आ गए हैं हम। ये देखें, ये मेंबर है, ये अखरोट की लकड़ी से बना हुआ है, बहुत शानदार, बड़ा प्यारा कशीदाकारी की हुई, क्या बात। और ये भी देखें, आयतल कुर्सियाँ लिखी हुई हैं, सूरतें लिखी हुई हैं। बड़े बड़े आशिक लोग जनाब खुदा के और उसके रसूल के। ये देखें, ये भी बहुत प्यारा है, शाहाना अंदाज़ है। देखने से ताल्लुक़ रखती है ये मस्जिद व्यूअर्स। इसके कलर कम्बिनेशन इतने खूबसूरत हैं कि बहुत पूरा असर है। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। मुझे तो बहुत बहुत ही मज़ा आया, बहुत सुकून मिला इधर आकर। बड़ी खूबसूरत जगह, सही लगता है कि कोई बादशाह की जगह। ऊपर से अल्लाह का घर है, क्या बात है। छतें देखें कैसी बनी हुई हैं। जज़ाकल्लाह। मैंने कोशिश की आपको तफसील से दिखाऊं सारा कुछ। मस्जिद वज़ीर खां, इनका जो असल नाम था वो इल्मुद्दीन था। नवाब वज़ीर खान उनका लकब था। वो इस ये जो आपको तवीज़ मैंने दिखाया है जो सैन में बना हुआ है, इसका असल दरबार नीचे है। तो वो जो नवाब वज़ीर खान थे वो यहाँ पर रेगुलर आते थे अपने ज़िंदगी में आसानियों के लिए, दुआएं करने के लिए। तो वो बहुत मानते थे इस सैयद फ़कीर को। तो ये जो दरगाह आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें, ये 9 गज़े की साइज़ है इसका, 9 गज़ का। तो ये सैयद बादशाह हैं। ये जो दरबार है ये वज़ीर ख़ान मस्जिद बनने से 400 साल पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो जो नवाब वज़ीर ख़ान थे वो यहाँ पर आते थे, फिर आसानियाँ मिलती थी उनको, वो बहुत मानते थे। उन्होंने ये जो मस्जिद है ये तोहफे में दी सरकार को। तो हम भी आए हैं यहाँ पर, कुदरती नीचे में आ गए हूँ, तो हम भी यहाँ पर दुआ करते हैं। और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। व्यूअर्स, दुआएं खैर करने के बाद हम फिर दोबारा सहन पे आ गए हैं। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ जाते जाते कि ये देखेंगे दिए जलाने के लिए जगह, जो अक़ीदतमंद आते हैं वो यहाँ पर चिराग जलाते हैं, मुरादें हासिल करते हैं। ये भी सारे कमरे बने हुए हैं। जी व्यूअर्स, आज आपने विज़िट किया वज़ीर ख़ान मस्जिद का। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वॉल सिटी भी दिखाएंगे और भी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।